पी के तो ऐसे ही टाइट रहता है, उसको तो क्या लगेगा कि ठीक है हम शराब पी के, और शराब पीने के बाद तो कुछ पता ही नहीं रहता है, बता देता है। और कल होके उसके फैमिली को अगर वही माफिया टॉर्चर करता है, मर्डर करता है, तो फिर कहाँ जाएगा? तीन दहाड़े मर्डर हो रहा है, मधुबनी में अभी गैंग रेप हुआ है, क्यों नहीं आप उसे पकड़ते हैं? सीआर बीजेपी वाले तेज बढ़ रहे हैं, बताना होगा तो क्या जो बताएगा उसको सुरक्षा वो देंगे? फिर आप मूर्ख बना रहे जनता को, अरे आप न पकड़ो उसको शराब माफिया को। शराब माफिया मतलब गुंडा, गुंडा है वो तो, गोली पिस्तौल सब रखता है, उसको मरवा देगा बताएगा तब। इनके मंत्री कहाँ से शराब पीते हैं? जो सिटी एसपी के गाड़ी में शराब बरामद होता है वो कहाँ से आता है? शराब विभाग का जो अधिकारी है अगर वो ईमानदार, अगर माई के दूध पीकर सेवा करने बिहार में आए हैं, अगर नेता पर गज गिराएंगे तो हम पोल खोलेंगे। नीतीश कुमार शराब बेचवाता है और नीतीश कुमार का कुछ हुआ ना, नीतीश कुमार आके हमको ठोक दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला, शराब पीने वाले अब नहीं जाएंगे जेल। देखिए कुछ लोग हैं उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। शराब पीते हैं? शराब तो मैं नहीं पीता हूँ। अच्छा, नया फैसला लिया गया है कि शराब पीने वाले को नहीं भेजा जाएगा जेल, मगर शर्त है कि सब कुछ बताना होगा। नीतीश जी और बीजेपी वाले तेज बन रहे हैं कि बताना होगा तो क्या जो बताएगा उसको सुरक्षा वो देंगे? बता देगा शराब माफिया को कि यहाँ से शराब लिए हैं, वो तो शराब माफिया है, गुंडा तबका का है, वो तो उसके परिवार को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो नीतीश जी ये बताएं कि क्या उसकी सुरक्षा आप देंगे पूरे फैमिली को? बिहार पुलिस ना सुरक्षा के, फिर आप मूर्ख बना रहे हैं जनता को। अरे आप न पकड़ो उसको शराब माफिया को, कहाँ से शराब आ रहा है, कहाँ बन रहा है, उसको आप पकड़िए। आप जनता से क्यों कह रहे हैं कि ये पिए हो कहाँ से तो बताओ, तब उसको पकड़ेंगे। जनता मार खाना है जनता को, जनता मार खाने लगेगी। हाँ बिल्कुल मार खाएगी, उसको मार देगा। शराब माफिया मतलब गुंडा, गुंडा है वो तो, गोली पिस्तौल सब रखता है, उसको मरवा देगा। अच्छा, बताएगा तब। फैसला ठीक ना? नहीं, फैसला बिल्कुल गलत है ये। आप उसको पकड़ो, जड़ को पकड़ो आप। अच्छा, कहाँ से शराब आ रहा है? पीने वाले को नहीं पकड़ो? पीने वाले से पूछना भी नहीं है? पीने वाले से पूछना भी नहीं, क्या कहाँ से पीते हो? अच्छा, आप सरकार चला रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ डकैती हो रहा है, कहाँ शराब मिल रहा है, सब पता है आपको। एक थाना के अंतर्गत ही सारा काम होता है, और आप तो सरकार है बिहार का, आपको पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। देखिए, और लोगों से भी जुड़ेंगे और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी को लेकर जो फैसला लिया गया है उससे लोग कितना खुश हैं, और क्या लोग जो हैं वो इन फैसले को लेकर के खुश दिखाई दे रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में यार हम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक युवा हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि नया फैसला लिया गया शराबबंदी कानून को लेकर के, शराब पीने वाले को नहीं भेजा जाएगा जेल, मगर शर्त रखी गई है कि उसे बताना होगा कि कहाँ से उसने शराब पिया। चलिए सबसे पहले बात तो कि जो नया बार बार कानून बना, चलिए ये कानून बनाकर नीतीश कुमार जी ये साबित कर दिए हैं कि इनसे पहले जो शराबबंदी का कानून था वो बिल्कुल गलत था। अच्छा। और इनके चलते जितने लोग जेल में गए, जितने लोगों के परिवार तबाह हुए, बर्बाद हुए, उसका जिम्मेदार कोई है तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। सबसे पहले देखिए हम शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं इसका टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? हम अगर पीते भी होंगे, अभी आपके सामने नहीं है पिए हुए तो आप नहीं साबित कर सकते हैं, और अगर पीते होंगे तो हम गचेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ बताइए, नया कानून आप ला रहे हैं कि शराब हम पीते हैं, ये जाके पूछे ना कि सूबेदार दास जी शराब कहाँ से पीते हैं, इनके विधायक हैं ना, इनके मंत्री कहाँ से शराब पीते हैं, जो सिटी एसपी के गाड़ी में शराब बरामद होता है वो कहाँ से आता है? अरे भाई आप गरीब को मार रहे, कभी टीचर को कहते हैं कि जो शराब पी के टहल रहा हो गाँव में आप उसको पकड़िए, तो कभी टीचर पर, मतलब इन सब नए नए कानूनों से यह पता चल रहा है कि इनको अपने प्रशासनिक डिपार्टमेंट पर से विश्वास उठ चुका है पूरी तरीके से। ये जो कहा करते थे हमारे सुशासन की सरकार चल रही है वो करप्ट हो चुके हैं ये लोग, ट्रिपल सी से जो समझौता नहीं करने की बात करते थे वो ट्रिपल सी में डूब चुके हैं, इसलिए ये क्या करें। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके विधायक पूर्व विधायक सूबेदार दास जी शराब पीते हैं, वो पी के टल्ली रहते हैं पूरा, क्या आज तक उन पर वो अरेस्ट हुए? वो भी तो शराब पी के टल्ली रहते हैं, क्या अरेस्ट हुए? वो नहीं ना हुए भाई। कानून तो आम लोगों के लिए ना बनता है, अब आप कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी आप शराब पी के आइएगा तो आप पकड़े नहीं जाइएगा, लेकिन प्रशासन आपसे पकड़ेगा तो पूछेगा कहाँ? अरे प्रशासन शराब बेचवाता है, अगर कुछ उसमें का ये नहीं हम कह रहे हैं कि सारे प्रशासन के लोग करप्ट हैं, लेकिन कुछ मान लीजिए कि कुछ ईमानदार लोग भी हैं और उनको बता दिया जाएगा तो उसको जेल जाना है दूसरे केस में का? अच्छा उसको दूसरे केस में जेल जाना है क्या?
आपको नहीं पता है कि बिहार में कानून, हमारे देश में कानून दो तरह का होता है। अगर आप कोई पावरफुल आदमी नहीं है तो कोई आवेदन दिया आपको उठा कर लेकर चला जाएगा, आ नहीं तो FIR होने के बाद भी देख लिए ना, मंत्री के बेटे को बुलाया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। ये स्थिति है, लोग मराएंगे नहीं, अपने मराने के। अब टीचर ये फैसला सही नहीं है भाई, लगातार फैसले पे फैसला रहा है, कभी टीचर शराब पकड़ेगा, कभी आप शराब पी के आ रहे हैं तो प्रशासन को बताइए कि आप कहाँ से पी के आ रहे हैं। ये सब देखिए, ढकोसला रचने से फायदा है कि बिहार में करप्शन, जो करप्शन चरम सीमा पे है, महंगाई कर चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे, इन सब पर ध्यान लगे, बेरोजगारी पर ध्यान लगाइए। नहीं, हम लोग तो शराब नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं। अच्छा, जो फैसला लिया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, खुश हैं इस फैसले से? कोई जनता खुश नहीं है इससे। कहे? क्योंकि उनका हर महीने में नया कानून आता है। अच्छा। और नीतीश कुमार जी का हर महीने में नया नाटक होता है, वो हर महीने नियम कानून बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। पिछला जो नियम बना वो कहाँ हुआ, ख़त्म, फिर नया नियम, फिर एक महीना के बाद फिर कोई नया नियम आ जाएगा। एक बार बता देने से, शराब अगर पीते हैं, अगर आप बता दीजिएगा पुलिस को सब कुछ सच सच, तो जेल नहीं ना जाइएगा, जेल जाने से बच जाइएगा। जेल नहीं जाएगा, लेकिन गोली खाएगा। गोली खाएगा किससे? शराब माफिया से, या तो फिर शराब तो थाना से बिकता है, और आप पता कीजिए कि शराब जब से बंदी हुआ, सारा थाना प्रभारी, थानेदार सब करोड़पति हो गया, तो इसकी जांच न करानी चाहिए? और थाना से शराब नहीं बिक रहा है, सब जगह बिकता है। देखिए, अन्य लोगों से भी जुड़ेंगे इस वीडियो बने रहे। देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर पे हैं, एक युवा है, इनसे बात करेंगे। शराब पीते हैं या कभी पिए हैं? नहीं, आप शराब पीना चालू कर देना है। काहे भाई? काहे कि उत्पाद विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि जो शराब बेचता है उसके बारे में अगर आप बता दीजिएगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, अगर पी के पकड़ाते हैं तो बता। हाँ, तब पोल खोलेंगे ना कि नेतवासम शराब बेचता है, उसका घरे से डिलीवरी होता है ना। लेकिन उत्पाद विभाग का जो अधिकारी है, अगर वो ईमानदार, अगर माई के दूध पीकर सेवा करने बिहार में आए हैं, अगर नेता पर गज गिराएंगे तो हम पोल खोलेंगे, ना तो हमको मर्डर करवा देंगे। हम शराब पी के आया, कह दिए कि नीतीश कुमार शराब बेचवाता है, आ नीतीश कुमार के कुछ हुआ ना, नीतीश कुमार आके हमको ठोक दिया, तो हम तो गए बेटा काम से, उससे बढ़िया जेल में रहते तो बचे रहते ना। बिहार पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती? बिहार पुलिस कितना सुरक्षा देता है आप नहीं जानते हैं। अगर आप अभी आंदोलन कीजिएगा तो लाते मुक्के, घुस्से, लाठी डंटे पीट के आपको चुत्तर फुला देगा। बिहार पुलिस से भरोसा करते हैं आप? हाँ, मतलब पीने वाले को ये जो फरमान दिया कि भाई बता देगा तो छोड़ दिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता? आप बिहार में जेल में लोग होगा बंद कम, मरेगा ज्यादा। काहे कि शराब बेचता है माफिया। अगर पुरुषोत्तम कुमार कह दे कि लालू का बेटा शराब बेच रहा है, लालू का बेटा सब जत मान लीजिए माफिया है, तो उसका मर्डर करवा देगा। वो न रहेगा कोई, रहेगा तब ना कोई का कंप्लेन करने वाला रहबे न करेगा। कैसे जब कोई केस करता है तो मुद्दालय के मर्डर हो जाता है, तब शराबी का मर्डर होगा इस बिहार में। जो शराब पीकर अगर पोल खोलने का काम करेगा, वह जेल न जाकर शमशान जाएगा। कैसे देखती है इस फरमान? देखिए, एक तो पूरा बिहार ऐसे भी शराब में डूबा पड़ा हुआ है, बंद है ना बंद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो नया फरमान जो लागू किए हैं नीतीश कुमार जी कि जो शराब पिएगा उसको हम पकड़ेंगे नहीं, बता देगा सारा कुछ कि कहाँ माफिया, कौन पिलाया, नहीं पिलाया, ठीक है। आप बताइए कि गरीब तो ऐसे भी पी के तो ऐसे ही टाइट रहता है, उसको तो क्या लगेगा कि ठीक है हम शराब पी के, और शराब पीने के बाद तो कुछ पता ही नहीं रहता है, वो जाके बता भी देता है। अगर बता देता है और कल होके उसके फैमिली को अगर वही माफिया टॉर्चर करता है, मर्डर करता है, तो फिर कहाँ जाएगा, कौन बता? बिहार पुलिस तो शराब वाले के पीछे एकदम टैक्स ले रहे हैं और जा रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ ड्रोन कैमरा से घुमा रहे हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, मधुबनी में अभी गैंग रेप हुआ है, क्यों नहीं आप उसे पकड़ते हैं, क्यों नहीं स्पीड ट्रायल के माध्यम से उसको आप सजा दिलाते हैं? झूठ फूस का आप नौटंकी कर रहे हैं कि शराब के पीछे पूरी बिहार की पुलिस जितने हैं सारे वो शराब के माफिया के पीछे लगे हुए हैं, और इतना मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, पुलिस कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई गरीब के घर में लूट हो रहा है, पाट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, सामने में जा रहा है तो कह रहा है भागो अभी यहाँ से, अभी हम शराब में बिजी हैं, अभी हमको शराब वाले को पकड़ना है, तुम दिमाग मत खराब करो। तो क्या ऐसे में बिहार चलेगा? ऐसे में बिहार की बेटी सुरक्षित रहेगी? अभी आप देख लीजिए ना, यूक्रेन में हमारे बिहार के बच्चे फंसे हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो अपने बच्चों को लेके आ गए हैं। लेकिन हाँ, यही कि और भी तो स्टूडेंट है, उनको क्यों नहीं लाया गया है? आपको भी पता होगा, आप वीडियो में
यहाँ के जो जेडीयू के विधायक है अपनी बेटी को वापस लाए, क्या उनका ये हक नहीं बनता था कि वो यहाँ के जितने सारे बच्चे हैं वो सबको लाए? और नारा लगा रहे हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, कहे का नीतीश कुमार जिंदाबाद, और बच्चे को कौन लेके आएगा? और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, वही आप लेके आइएगा और ताली बजवाइएगा और वोट लीजिएगा। अभी मोदी जी पूरे बिजी हैं यूपी के चुनाव में और बच्चे वहाँ पे रो रहे हैं, मदद का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको राजनीति करना है, सबको वोट लेना है। तो आपने सुना, हम तमाम लोगों से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में शराबबंदी को लेकर जो नया फरमान जारी किया गया है, जो नया फैसला लिया गया है, उससे लोग कितना खुश है। खैर लाइफ स्टीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।